से ग्रेजुएशन पीजी में तो दिल टूटवे किया है इंटरटेन में भी इंटरटेन में भी जो मैम है वो थोड़ा बुलाई है उसको हमेशा बोलते हैं गर्मी निकालो लेकिन सर निकालता ही नहीं सबका साथ सबका विकास आओ चले कॉमन के ब्लॉग के साथ तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आपका स्वागत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा तो? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको दिल से थैंक यू सो मच क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस मिर्जापुर वाला पार्ट वन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट थे आपके, वो रियली में मुझे बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। ये पार्ट टू है। पार्ट वन तो मैं सिर्फ इंट्रो करके दिखाया था कि आपको मैं कैसे कैसे कहाँ से कहाँ से गया, ठीक है। तेरे बाप को मैं सिखा चल। तो पार्ट टू के लिए बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियोस में बहुत मज़ा होगा। पूरा कुछ मैं आपको इस वीडियोस में दिखाने वाला हूँ कि मिर्जापुर उस वेब सीरीज से कितना अलग है, वो सारा कुछ इसमें आपको दिखेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो, बहुत मज़ा भी आएगा आई होप, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मिर्जापुर। अच्छा, जो वेब सीरीज में दिखा था, ठीक, मिर्जापुर का खाना कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का सीन कैसा है, मतलब मिर्च, तो देखिए आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ गाइस, अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूँगा, ठीक, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये वीडियोज़ ख़त्म होगा तो इंड में भी आपको इंड स्क्रीन में यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी दिख जाएगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट टू आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो कैसे लगे रहिए, आप देखिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। क्या बोला तूने? मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। क्या बोला तूने? बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती किया है तीनों दोस्त। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सीरियल चलिए और आपको खूब इंटरटेनमेंट होने वाला है। लगा लिए सर, आप कितना पढ़िएगा सर, पढ़ पढ़ के तो आपका समय खत्म हो रहा है। हेलो भैया, तो गाइस ये हम लोग का होटल है जहाँ पर हम रुके हैं। हम लोग हैं गंगा घाट पे, देख सकते हैं पूरा पीछे साइड, ये बहुत लंबा गंगा घाट है मिर्जापुर के पास, देख सकते हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी है संदीप, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं। हम लोग हैं अभी यहाँ पे मिर्जापुर के पास, एक पूल है जिसका नाम है पूल है, ये जो हम लोग पूल के पास है इसका नाम है पूल। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो हम लोग अभी यहीं पे हैं, उसके बाद हम सीधा चलेंगे यहाँ से, हम लोग के मामा के घर है थोड़ा सा दूर, वहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे, उसके बाद चले। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ सीन, आपको बहुत मजा आएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूरी में है, आप आराम से आके वहाँ भी खा सकते हैं। देखो मेरे साथ तो दोस्तों भी है, देख पहले खाने लगा भाई, वेट करें करते तो फिर गए खाना खाते, बहुत अच्छा लगाया ठीक है। ये तो भाई शादी करते भाई, आप आइटम खाते लगाया करते बहुत मजा आया। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपना रूम, पूरा घूम गया, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इतना घूमे इतना घूमे किया क्या बोले, मतलब तो फाइनली हम लोग खाना खा चुके हैं, खा के अब जरा सभी रूम के अंदर जा रहे हैं रेस्ट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके सामने आप लोगों को पूरा घुमा दें पूरा। देखो यार, सुनना सुनना सुनना,
भाई और दिखा यार चमक रहा है। Oh my God! Wow! वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी हमारे संदीप महेश्वरी देख रहे बॉडी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जस्ट रूम में फ्रेश हो चुके हैं, शाम में पूरा मस्ती करेंगे खूब। अरे पढ़ाको यार इतना पढ़ रहता है साला पागल है। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, दिल से बुरा लगता है यार। अभी भैया देख देख बोले ना हम कैसे ही भाग रहा है, देखिए हाफ पेंट पे। अरे हमारे प्रशांत सर, सर कभी तो हेडफोन छोड़िए, कभी तो हेडफोन छोड़िए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ कहिए, हेडफोन में ही मत लगे रहिए, कुछ कहिए आप, रिकॉर्ड हो रहे बताइए ना, कुछ बोलिए। सबका साथ सबका विकास, आओ चले कॉमन के ब्लॉग के साथ। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। सर कुछ और नया बात कहिए ना यार, बिना बिना मेहनत के पसीने निकल रहे हैं। हाँ यार दिन भर गर्मी, पता है ये बिंगा था ना सुबह में वही वाला पहन लिए। अबे गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है तो रहन दो फिर। नहीं अच्छा एक बात बताओ भाई, इस तरह कौन पहनता है? देख हम लोग तीन लड़का लोग हैं, ठीक है, तीनों में देखो कैसे घूम के पहन। अबे सलाम मेरे थोड़ी रख। तो गाइस लगा रहे ना मजा ले रहा, खूब हम लोग इंटरटेनमेंट ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, एक दूसरे को खूब मजा भी दे रहे हैं। क्लास भी होगा कुछ देर के बाद, क्लास भी होगा तो कंटिन्यू रहेगा वीडियो, लगे रहना ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे गुपचुप खाने के लिए जस्ट वेट किए हैं, मुकेरी मार्केट में है हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत इधर खा रहा है और इधर संदीप भी खा रहा है, हम भी खा लेते दोनों यहाँ पे, बहुत टेस्टी है। गाइस ये हम लोग का खाना पैक हो रहा है, हम लोग होटल में डायरेक्ट खाएंगे। और ये हमारे संदीप सर, सर तो क्या कहना चाहते हैं इस बार आपका यूपी पीजीटी कंफर्म है ना? जरूर, अरे यार तू इतना हमारे ऑलरेडी मास्टर सर है, इतना जरूर बात है भाई, नेट तो कंफर्म होगा, नेट भी तो कंफर्म होगा, नेट देखें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है बंदा अपना है यार, पूरा सिखाए हैं लेकिन 2 साल पूरा पढ़ाए हैं तब जाके अभी इतना हुआ है। कैसा लगा मेरा मजाक? 2 साल नहीं पढ़ाए रहे, पूरा ग्रेजुएशन पढ़ाए, पूरा पीजी तक पढ़ाए यार, तब जाके अभी ऐसा देख रहे हैं, जरा पूरा मेहनत किया।
दोस्त के साथ एक होटल में हम लोग खाना वगैरह पैक कर रहे हैं, धूप बहुत जोर से लग रही है। आज हम लोग का सेकेंड डे है तो थोड़ा सा बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाउन एरिया है नहीं, ठीक है, जहाँ पे हर एक चीज सही जगह पे अवेलेबल है नहीं। तो अगर आप लोग आते हैं तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? प्लीज थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिएगा, अगर यहाँ से आपको न्यूज का अगर आपको कुछ जानकारी मिल रहा है तो बहुत अच्छा रहता है, या फिर आप डायरेक्टली किसी से पूछ कर ही कहीं पे होटल या फिर खाने का पहले से ही पता कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अचानक जाते हैं ये नहीं आप तुरंत मिल जाएगा होटल के बाहर या फिर यहाँ तो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। प्लीज़ आपसे यही बोलूँगा कि आप अगर जाते हैं तो पहले से पता कर लीजिए कि आप कहाँ पे होटल है, खाने का कहाँ पे क्या है, और होटल्स वगैरह टाइम पे ही चलती है यहाँ पे, तो थोड़ा देखते ही सारा कुछ मिलेगा। मेरा दोस्त थोड़ा सा थक चुका है बहुत ज़्यादा, रात गुजारा था मतलब रात अच्छे से गुजारा था, सर हमें नींद था, सॉरी इसको ट्रेन में नींद नहीं आया बताइए, कैसे आएगा भाई बताओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कल कल ये भी चले जाएंगे तो जो उसमें आज ही पर है ये कल में हम नहीं रहेंगे, कल ये चले जाएंगे क्योंकि इनका जो मैम है वो थोड़ा बुलाई है। समझ रहे हो ना तो थोड़ा वापस चले जाएंगे रेडी, फिर मिलते हैं आपसे वैकेशन में मिलते हैं, अब आपको हम दिखाते जो दोस्त एक और जो तीसरा है जो क्या कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं गाइस ये जो बंदा है ना बेचारा 10th 12th बहुत अच्छा से किया लेकिन ग्रेजुएशन में क्या कहें, अभी हम आवाज़ देते हैं ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं। संदीप सर इधर आइए, पूछेंगे नहीं सर, ठीक है बैठिए। तो सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। कैसा लगा मेरा मजाक? खाए बता दे खाए, और ऊपर से ग्रेजुएशन पीजी में तो दिल टूट भी गया है। इंटरटेनमेंट भी क्या नाम था उसका? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको